हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। यस्टरडे वी विल स्टडी एक्सप्लेन द थर्ड लेसन, टेक केयर ऑफ द गार्डन। टुडे वी विल डू आवर बुक एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ऑन वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स को कंप्लीट करना है। गो टू देयर गार्डन एवरी डे, निखिल एंड अलीशा। गो टू देयर गार्डन एवरी डे। There are many flowers like jasmine, pansy, rose, lily, sunflower, etc. in the garden. तो ये दो लाइन इस तरह से कंप्लीट करनी है, लेसन के अंदर ही है ये सब कुछ। उसके बाद में थर्ड लाइन है, some of the trees in garden are banyan, guava, mango and papaya. Nikhil understands the advice of Alicia and don't catch butterflies. If the flowers should not be plucked as they make the garden look beautiful and fresh. ये एल डबल ओ के है, यहाँ पे लास्ट में एल डबल ओ के लुक। वी शुड टेक केयर ऑफ ट्रीज प्लांट्स एंड डोंट प्लक द फ्लावर इन गार्डन आएगा यहाँ पे इन गार्डन। उसके बाद में नीचे चार फोटोज दी गई हैं, चार नाम हैं आपके पास ट्रीज के, वो आपको राइट करने हैं। जैसे फर्स्ट बनियान का है, फिर गुआवा, फिर मैंगो और फिर पपाया। गुआवा अमरूद, बनियान बरगद, मैंगो होता है आम और पपाया पपीता का। फिर फाउंड आउट ए स्मॉलर वर्ड हिडन इन दीज वर्ड्स एंड एनसर्कल इट। जैसे फाउंड करना हमें गार्डन, तो इसमें डैन, डैन होता है गुफा, तो ये हमने फाइंड कर लिया, तो इसको सर्कल कर देना है इस प्रकार से डैन। फिर नीचे है फ्लावर, तो फ्लावर में फ्लो, फ्लो मीन्स होता बहना, तो ये फ्लो। फिर मैंगो में मैन, एम ए एन मैन। फिर प्लक में लक, लक मीन्स भाग्य। बटरफ्लाई में बटर, मक्खन, सॉरी बटर। पपाया में पापा, पी ए पी ए। और कैच में कैट। और वाटर में वट, वट मीन्स बरगद का पेड़ ही होता है। उसके बाद में ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में ही नहीं करके बुक में ही आप रीड कर सकते हो। वन फ्लावर, हम ग्रामर में पढ़ेंगे सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर होता है एक चीज, जिसे जैसे वन है तो वहाँ सिर्फ वन फ्लावर, फ्लावर भी बोल सकते हैं। टू फ्लावर होते ही वहाँ पे फ्लावर्स बन जाता है, तो एस या ईएस लग जाता है सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में स्पेलिंग होती है, प्लूरल को बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है फाइव बॉयज, तो ये क्या है, सिक्स बॉल्स, फोर आइसक्रीम्स एंड सेवन क्रेयॉन्स, इलेवन पेंस, थ्री काइट्स। तो इस प्रकार से आप बुक एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है, आपको लेसन नंबर थ्री डाल के उसका नाम डाल के ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। व्हाट योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। तो ये सब के आंसर आपको दे सकते हो, है ना। तो अगर जैसे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, वी हैव, जैसे मैं अगर मेरा बताऊं तो वी हैव वन ब्रदर ओनली, वी हैव वन ब्रदर ओनली, मेरे सिस्टर नहीं है तो मैंने नहीं लिखा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थैंक यू।